25 दिसंबर मुरादाबाद के बेहद बड़ा दिन बन गया। जिंदाबाद है जैनुल अबिदीन उर्फ मुरादाबाद एक्सप्रेस, जिसने शनिवार की ठिठुरन भरी रात में 9 बजे विश्व रिकॉर्ड बनाकर पीतल नगरी को नई पहचान दी है। जैनुल अबिदीन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए लगातार 12 घंटे तक ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई। इस दौरान जैनुल का उत्साह बढ़ाने के लिए तमाम चाहने वालों की भीड़ रही और विश्व रिकॉर्डधारी बनने पर उसे शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। माँ भी पहुंची थी, जिन्हें अपने बेटे पर बहुत फख्र है। दरअसल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रेडमिल पर दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड 65 किलोमीटर था। देश के विभिन्न शहरों में लंबी दौड़ लगाने वाले जैनुल उर्फ मुरादाबाद एक्सप्रेस ने इसे दुरुस्त करने के लिए पीली कोठी पर मेथोडिस्ट चर्च के सामने क्रिसमस के मौके पर सुबह 9 बजे से अपनी दौड़ शुरू की थी। उसने 12 घंटे दौड़ने का लक्ष्य रखा था, जिसे जैनुल ने हासिल भी कर लिया। हालांकि जैनुल ने 65 किलोमीटर दौड़ का रिकॉर्ड रात 8:38 बजे कर दिया था। जैनुल ने अपनी दौड़ जारी रखी और 8:52 पर 66 किलोमीटर तथा 8:59 बजे 66.6 किलोमीटर रिकॉर्ड बना दिया। पीतल पर दस्तकारी और हस्तकला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मुरादाबाद को अब जैनुल के नाम से नई पहचान मिली है। आज कहाँ आई है आप? आप बेटे की इसमें आई है, जो रेस में। क्या नाम है आपके बेटे का? जैनुल अबिदीन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आपके बेटे ने कितना बड़ा रिकॉर्ड कायम करा है? बहुत बड़ा कायम करा है। हिंदुस्तान का नाम क्या है? आपको कैसा लग रहा है देश का नाम रोशन करने? रोशन क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कब से दुआएं कर रही थी आप उनके लिए? दुआ तो सीनियर हर वक्त रहती है, शुरू से ही शौक है इसे। काफी टाइम से शौक ही है, शुरू से बचपन से शौक था इसका, जिसका दौड़ने का। दौड़ने का कैसे महसूस कर रहे हैं आप? कैसे महसूस कर रहे हैं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बच्चे पे बहुत फर्क महसूस कर रही हूँ मैं जी। ये सफर आपने, जैनुल भाई आपने ये सफ़र शुरू किया, कितने बजे से शुरू किया और किस लक्ष्य को लेकर शुरू किया? सर ये सफ़र मैंने सुबह 9 बजे स्टार्ट किया और मेरा लक्ष्य था, जो हमारा पिछला रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैनुअल ट्रेडमिल पे 65 किलोमीटर का है, तो मेरा लक्ष्य था कि इस रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक प्राप्त करना है और अपना रिकॉर्ड बनाना है। सर जो टाइम था उससे पहले कर दिया आपने? जी सर, ये 8:38 पर हमने 65 किलोमीटर कवर कर लिए थे, बाकी उसके बाद जो है हमने बोनस में रन किया 66 किलोमीटर, तो हमारा जो अभी नया रिकॉर्ड है 66.6 किलोमीटर पे मैनुअल ट्रेडमिल पर। क्या क्या परेशानियाँ आई, कोई प्रॉब्लम्स भी? सर इसमें वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारा सपोर्ट काफ़ी अच्छा था, हमारे एंकरिंग हमारे काशिफ सर और हमारे सलमान खान, जितने भी कपिल भाई और गुरविंद सर जी की पंक्तियाँ और हमारे जितने भी ब्रिटिश अधिकारी आए, उन लोगों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि बिल्कुल मुझे सफ़र तो पता ही नहीं लगा, बॉडी कहीं नहीं थकी, माइंड कहीं नहीं थका, दिल कहीं नहीं थका, बस क्रैम्प्स पड़ रहे थे बॉडी में, जो बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आता है। और ये ट्रेडमिल की नेगेटिविटी यही है, जब हम एक जगह पर रन करते हैं तो पसीना बस ज़्यादा आता है, यही अगर हम रोड पर रन कर रहे होते तो हमें इतना पसीना नहीं आता, तो हमें क्या होता है, हमें हवा लगती रहती तो हमें इतने क्रैम्प्स नहीं पड़ते। माना जाए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में? यस सर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो अब नया रिकॉर्ड बना है वो 66.6 किलोमीटर। तो क्या कहना चाहते हैं, अपने पिछले रिकॉर्ड में क्या क्या करते थे आप, कैसे कैसे आगे? सर पिछला रिकॉर्ड मेरा जैसे मैं पहले बताया 720 किलोमीटर का है, दिल्ली टू आगरा, आगरा टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, और इसके अलावा कारगिल में 120 किलोमीटर और सात साल बॉर्डर रन की है जैसलमेर टू लोंगेवाला 100 किलोमीटर, और 12 स्टेडियम रन किए हैं, और इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर कोरोना काल में कोरोना पीड़ित के लिए मैंने 100 किलोमीटर की थी कोरोना वॉरियर्स के लिए। आज का जो ये कार्यक्रम है किसके समर्पित? सर आज जो ये मेरा कार्यक्रम है ये हमारा यूपी पुलिस को समर्पित है।